भाई बात यह है कि ये लंबी कहानियां हैं, मगर ये कि अगर मुख्तसर कहा जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक स्टेट हुआ करती थी रामपुर, वहाँ मैं पैदा हुआ। हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने खिलाफत मूवमेंट और अली ब्रदर्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके ख़ानदान से मेरा संबंध है। और 17 साल की उम्र में जब मैंने मैट्रिक किया था, जिसे हाई स्कूल भी कहते हैं, तो मेरे फादर की डेथ हो गई और हालात काफ़ी ख़राब थे घर के। इसलिए मेरे रिश्ते के एक चाचा थे जो बॉम्बे से एक अखबार खिलाफत निकालते थे, वो मुझे यहाँ ले आए और उन्होंने मेरे हाथ में कलम पकड़ा दिया और कहा कि भैया अब तुम जर्नलिस्ट बन जाओ अगर तुम्हें रोटी कमानी है। तो चुनाचे जर्नलिस्ट बन गए और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़े। बहुत सारे अखबारों में काम किया, बहुत मशहूर अखबारों में काम किया, कुछ इंग्लिश अखबारों की रिपोर्टिंग की, फिर अपना एक उर्दू का इवनिंगर निकाला जो काफ़ी साल तक चलता रहा और काफ़ी पॉपुलर था। लेकिन 75 में जर्नलिज्म की ये कहानी जो थी वो ख़त्म हो गई। भाई हुआ ये कि 1975 में मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और उसमें आलम यह था कि आपको हर बात जो है वो पूछ के लिखनी पड़ेगी, सरकार के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं लिख सकते, उन पर आप कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल ज़बान बंद थी, होंठों पे पट्टी लगा दी गई थी। तो बहुत सारे लोग जो थे वो, बहुत सारे जर्नलिस्ट वो इस बात के ख़िलाफ़ थे, और उनमें मैं भी एक था। चुनाचे बहुत हैरेस किया गया, पुलिस के चक्कर और ये और वो, जेल और दुनिया भर का सब नाटकबाजी हुई। तो फिर इरादा ये हुआ कि भाई अब जर्नलिज्म में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदाज़ा ये हुआ कि जर्नलिज्म में सच बोलना पड़ता है जिस पे पाबंदी है, तो क्यों ना ऐसी लाइन में जाया जाए जहाँ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। चनाचे कोशिश की फिल्म में लाने आने की, मगर कामयाब नहीं हो सके। कुछ 2-4 दिन महमूद साहब थे एक एक्टर, उनकी असिस्टेंट ही भी की, मगर ये कुछ काम नहीं बना। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सत्यजीत रे, जो मेरा ख्याल है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहे थे, जो जिसे अब आखिरी भी कहना चाहिए कि वो पहली और आखिरी फिल्म उनकी शतरंज के खिलाड़ी थी। और वो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पर आधारित है, और वो उसका बैकग्राउंड जो है वो 1856 का लखनऊ है। चुनाचे उन्हें एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो उर्दू बहुत अच्छी जानता हो, और न सिर्फ ये कि उर्दू बहुत अच्छी जानता हो बल्कि जो पीरियड की जो लैंग्वेज थी उससे वाकिफ हो। तो क्योंकि क्या होता है कि हर ज़बान जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती जाती है, कुछ ख़राब हो जाते हैं अल्फाज, कुछ नए अल्फाज आ जाते हैं, हर ज़माना अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता रहता है। तो जो 1856 और 1855 में जो ज़बान लखनऊ और उसके आसपास बोली जाती थी, वो आपको पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कहीं नहीं मिल सकती, और ख़ास तौर से मुंबई जैसे शहर में तो उसके सुनने मिलने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन चूंकि मेरा वो सब्जेक्ट रहा था, तो इसलिए मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, जो बाद में हम लोगों ने पार्टनरशिप में बहुत सारी फिल्में भी लिखी, तकरीबन 17-18 फिल्में साथ में लिखी, शमा जैदी, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि सत्यजीत रे को मेरी कौन सी अदा पसंद आई, क्योंकि शक्ल तो नहीं पसंद आ सकती, ये तो मुझे मालूम। लेकिन उन्होंने मतलब मुझे बुलाया, मेरी पहली मुलाकात थी उनसे,
इससे पहले मैं सत्यजीत रे को बस इतना ही जानता था कि वो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और बहुत कमाल की फिल्में बनाते हैं। मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया और उनसे मेरी पहली मुलाकात थी, उनकी मुझसे पहली मुलाकात थी। लेकिन ये कि मुझे ही मालूम था कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि बंगला में उन्होंने फिल्में बनाई हैं और बंगला में आप इंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन जो बात जो समझने वाली होती है वो फिर भी समझ में नहीं आती। अब यहाँ तो मसला था दूसरा। तो बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने मेरी शक्ल देखी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर हो और लैंग्वेज बहुत अच्छी जानते हो। तो मैंने कहा साहब मुझे तो पता नहीं, कोई आदमी अपना अपने काम का जज कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कुछ अपना काम जो है, अपनी कुछ कहानियाँ जो हैं वो आप ट्रांसलेट करा के आपको दे सकता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या लिख सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कहानियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एंड हियर इज़ माई स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग फॉर माई फिल्म। ये पूरी मुलाकात जो है ये 3.5 मिनट से ज़्यादा की नहीं थी। एंड ये 3.5 मिनट जो हैं ये इस तरह फैले कि आज ये तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो मेरा जो सफ़र है मेन स्ट्रीम सिनेमा का और ऑफ बीट सिनेमा का, ये एक साथ ही शुरू हुआ करीब करीब, क्योंकि मेरी पहली फिल्म तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो ऑफ बीट फिल्म थी, शतरंज के खिलाड़ी। लेकिन मैं जैसे ही शतरंज के खिलाड़ी ख़त्म करके आया तो मुझे एक हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म अली बाबा 40 चोर ऑफ़र की गई, जो इंडो सोवियत को प्रोडक्शन था और वो दोनों लैंग्वेजेस में बन रही थी, रशियन में भी और हिंदी में भी। और उसमें उस ज़माने के सबसे बड़े स्टार्स थे, यानी धर्मेंद्र जी थे और हेमा मालिनी जी थी और जीनत अमान थी और पता नहीं कौन कौन था। तो वो एक साथ ही करीब करीब शुरू हुआ। ये सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप ही एक वक्त में इतना सीरियस कोई सब्जेक्ट उठाते हैं जिसे हम ऑफ बीट सिनेमा कहते हैं, वो भी आप इतनी आसानी से लिख लेते हैं, जैसे अगर आप चक्र हो या सूखा हो या मम्मो हो या जुबैदा हो या इस किस्म की कोई और बहुत सारी फिल्में जो हैं वो हों, और बहुत हार्ड कोर कमर्शल फिल्में भी आपने लिखी हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने वाली बात नहीं होती, इसलिए कि आप अगर अपने आप को मेंटली कंडीशन कर चुके हैं, अगर आपको ये मालूम है कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है, तो गलती नहीं हो सकती। जैसे एक घटिया सी मिसाल मैं आपको दूं कि अच्छे राइटर का दिमाग जो है वो एक सीडी प्लेयर की तरह होता है, वही सीडी सुनाई देती है जो उसके अंदर है, दूसरी कोई सीडी नहीं सुनाई देती, कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। तो मेरे कान आँख नाके सब बंद हो जाती हैं, मैं सिर्फ वही सुनता हूँ वही देखता हूँ जो मेरे सामने है। वो ऑफ बीट है तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा। हाँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस फिल्म के अंदर नहीं उतरेंगे, अगर उसकी आत्मा में आप नहीं जाएंगे, तो आप उसकी आत्मा को बाहर निकाल के नहीं ला सकते। कमर्शियल में इतनी ज़्यादा परेशानी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत दूसरे सारे एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। लोग राइटिंग को कम देखते हैं, स्टार को ज़्यादा देखते हैं, गाने सुनते हैं और जो नाच गाना है वो देखते हैं। वो इतनी सारी चीज़ें जो हैं उनको एंटरटेन करने वाली, वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन जब हम ऑफ बीट फिल्म लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि
जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको कितना लीवे आप दे रहे हैं, कितनी गुंजाइश आप दे रहे हैं काम करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं, चूंकि वो बहुत लाउड नहीं होती है कमर्शियल की तरह, बहुत सटल होती है, तो वो बात आपकी बाहर निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ इतना दोनों का वो कर रहा, जैसे मैंने पहले कहा कि हर अच्छा राइटर जो है वो अपने आप को कंडीशन करता है, और इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग किस्म की फिल्में बनाई, अलग अलग किस्म की फिल्में लिखी, और बहुत कामयाब हुए।